महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कुछ लोगों ने एक शख्स को चोरी के संदेह में पकड़ा और उसकी लात घूंसों और डंडों से बुरी तरह से पिटाई कर दी। उसे इतना मारा कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अमानवीय तरीके से की गई पिटाई और हत्या की इस वारदात का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने शुक्रवार सुबह तक 7 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया है। अभी भी एक आरोपी फरार चल रहा है। वहीं औरंगाबाद पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान मनोज शेषराव अहवाड़ के रूप में हुई है। वो औरंगाबाद के विवेकानंद नगर स्थित मेन गावरे हॉल में चौकीदार का काम करता था। 20 अप्रैल को आरोपी ने उसे सोसाइटी की फोकस लाइट चुराने के आरोप में पकड़ा और बुरी तरह से पिटाई शुरू कर दी। मरने वाला शख्स अपनी पत्नी और बच्चे के साथ हॉल के एक कमरे में रह रहा था। वहीं आरोप है कि मनोज को हॉल में ले जाकर फोकस लाइट की चोरी के बारे में पूछताछ की गई, जिसके बाद कुछ लोगों ने उसे बुरी तरह से हाथ पैर बांध कर पीटा। आरोप ये है कि उससे लकड़ी के डंडे से तब तक मारते रहे जब तक कि उसकी सांस की डोर टूट नहीं गई। मारने के बाद आरोपी उसके शव को छिपाने की फिराक में भी थे। जांच में सामने आया कि इस वारदात का मुख्य आरोपी सागर खरात पूर्व पार्षद गणपत खरात का बेटा है। गंभीर रूप से घायल मनोज को घाटी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मारपीट का वीडियो आरोपियों में से किसी ने अपने फोन से तैयार किया और उसे मृतक मनोज के बड़े भाई को अनजान नंबर से भेज दिया, जिसके बाद वो वीडियो को लेकर पुलिस स्टेशन गया और सिडको थाने में 8 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।